से बसाया जाए जिस तरीके से वो पहले अपने घरों में रह रहे थे। लेकिन 2016 में आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, क्या ये अपनी रिटायरमेंट तक ये काम कर सकेंगे फारूक साहब, तमाम चीज़ें जो डिस्कस की गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया अनिका। देखें जनरल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि जनरल रहीम शरीफ के तकरीबन 8-9 महीने रह गए हैं, नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं, तो लिहाजा ये जो मंथली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि आपने सही कहा कि रूटीन किया हर महीने होती है, इसमें अब एवरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस विल बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जनरल रहीम शरीफ ने जारी बात है बड़े सख्त फैसले भी करने हैं कोर कमांडर्स की मशावरत के साथ, और ख़ासकर इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों में। अब आप देखें ना, यहाँ पे उन्होंने खास एक आज पहली मरतब इस तरह के अल्फाज आए हैं सामने कि उन्होंने कहा कि जनाब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है पूरे मुल्क में इनको तेज़ किया जाए, और ताकि दहशतगर्दी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर भी है उसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो ये एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनका भी एक बड़ा ज़ाती गोल है, वो भी इसके लिए सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं कि 2016 में ये जो फाटा के जो हमारे भाई हैं, जो डिस्प्लेस पर्सन हैं, TDP उनको कहते हैं, टेम्पोरली डिस्प्लेस पर्सन, वो भी 2016 के एंड तक जो हुकूमत के साथ एक प्लान तय हुआ है, हुकूमत उसके लिए फंड रिलीज करने हैं, हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है, तो वो उनको भी ऑनर और डिग्निटी के साथ उनको रिहेबिलिट करा के वापस अपने घरों तक पहुंचाया जाए। और तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कल वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसमें कुछ और इश्यूज पे भी बात जरूर हुई होगी, जो कि डेफिनेटली मिसाल के तौर पे अभी आने वाला जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है 31 मार्च को वाशिंगटन में, उसके बारे में बात होगी कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन। वो तो कल ही आप सजेस्ट कर रहे थे ना फारूक साहब के होना चाहिए ये कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जाए, वो तो एक देख रहे। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज ये है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे बढ़ते हुए दफाई ताल्लुकात हैं, दफाई कोऑपरेशन, कि मैं देखो पहली मर्तबा ये हुआ है निका कि पाकिस्तान की JF-17 का वहाँ पे एयर डिस्प्ले होता है। अब तमाम अफवाजे वो जो हेड्स ऑफ स्टेट, अरब हेड ऑफ स्टेट, हमारी जो शेयर्ड टीम एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम, वो जाती है, हमारे कमांडोज वहाँ पे फ्री फॉर स्काई डाइविंग का मुजाहरा करते हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ बहुत भारी इंगेजमेंट हो गया है, तो इसके ऊपर भी बड़ी खुल के बात हुई होगी ताकि लेटेस्ट पोजिशन जो है वो लोगों को कमांडोज को बताई जाए। इंटरेस्टिंग बात है फारूक साहब, वो ये है कि खुफिया ऑपरेशन के अंदर जो है चीज को ज्यादा करना पड़ेगा, डेफिनेटली इंटेलिजेंस बेस्ड तमाम चीजें जरबे हम लोग अपने घर के अंदर ही लड़ रहे हैं। तनवीर साहब, खुफिया ऑपरेशंस तो पहले भी हुए, इंटेलिजेंस की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रही, कराची के एयरपोर्ट की बात की जाए या बहुत सारे और सानहात की, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसके ऊपर काम करना भी तो हुकूमत का काम है। देखिए बात यह है कि जो फौज का काम था फौज ने बहुत अच्छा किया, और ये जो ज़रबे अज़ब की कामयाबी, उसके नतीजे में जो समरात इस सोसाइटी को मिले, उस पर पाकिस्तानी फौज शाबाश की मुस्तहक है, हम सबको तहसीन करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जश्न मनाने के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इस पिछले चंद साल के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई, अगर कहीं बेहतरी की गुंजाइश थी तो उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को ऑडिट किया जाना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। आपने खुफिया ऑपरेशन की बात की है, कल पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बच्चा आया और उसने कहा कि मुझे पकड़ के ले गए थे, इन्वेस्टिगेट किया गया, बाद में कुछ नहीं बरामद हुआ, निकल गया। सोसाइटी के जितने लोगों को आप रात को उठा लेंगे, इन्फॉर्मेशन जो आपकी खुफिया इदारों की है, इसकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि पहले पता चले कि दहशतगर्द जो हैं कहाँ कार्रवाई करने वाले हैं, और जिसमें और ये कहा जाता है कि पकड़ के तो ले जाते हैं लेकिन पता नहीं होता, और उसके बाद सोसाइटी के अंदर घुलना मिलना मुश्किल हो जाता है, क्या सोल्यूशन? बात यह है कि अब तो अदालतें नोटिस ले रही हैं, जब मैं रात को 2 बजे जो बंदा मुझे पकड़ने आया, मेरे कोई राइट्स हैं जब तक अदालत मुझे मुजरम करार ना दे दे, तो मुझे पता होना चाहिए कौन मुझे गिरफ्तार करने आया, कहाँ रखा है, क्या रिश्तेदार मिल सकते हैं, क्या मेरी गिरफ्तारी डाली गई है, क्या अदालत में मुझे पेश किया जाएगा। दूसरी बात यह है, ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, खराज तहसीन, सारा कुछ ठीक है, अगर हालात जनूबी वजीरिस्तान में ठीक हो गए हैं तो मुझे और फारूक साहब को वहाँ जाना चाहिए। क्या मैं और फारूक साहब वहाँ पहुँच सकते हैं? क्या वहाँ पे दहशतगर्द मारे जा चुके हैं या अफगानिस्तान चले गए हुए हैं? क्या दोबारा ये हो सकेंगे? मेरी बात सुनिए, बात ये है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या ये हो सकता है कि जिस भी शख्स को गिरफ्तार करना है उसको पहले से बता दिया जाए, जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने भी कहा था कि हम गिरफ्तार करने से पहले हुकूमत को आगाह किया जाए, तो वो लोग भाग नहीं जाएंगे? इस तरह तनवीर साहब इस बात को भी समझते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मीडिया बता रहा था कल जो या परसों रात को जो स्टूडेंट पकड़ा गया है, वो पंजाब की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मुझे एपेक्स कमेटी सारा उसको देख रही है, उन्होंने बकायदा
यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, उनसे क्लियरेंस ली है, उनको लेटर दिया है, उन्होंने कहा जी आप ऑपरेशन करें, तो आप मुझे ये बताएं काउंटर टेररिज्म अगर ऑपरेशन नहीं करेगा यूनिवर्सिटी में जो सस्पेक्ट लोग हैं अलकायदा के, तरीके तालिबान के और ग्रुप के बैठे हुए, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बात यह है, बात यह है, आप अपने तौर पर रिज्यूम कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने براہ راست بتایا تھا ان کو, انہوں نے بغیر اس کو کوئی انویسٹیگیٹ کیے ان کو لے کے گئے, رکھا اس میں جو جن مراحل سے گزرا, کل اس بچے نے کہا کہ جو میرے اوپر گزری ہے اگر میں بے قصور ہوں, جو مجھے ذہنی صدمہ پہنچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم یہ سوچنے لگ گئے کہ اس کو ذہنی صدمہ پہنچا یا نہیں پہنچا تو پھر تو ضرور اس کا حل نہیں ہو پائے گا, ہمیں یہ مشکل حالات ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی ساری طاقت کے باوجود آپ پنجاب کے اندر نیب آپریشن کر پائی ہے؟ ساری طاقت کے باوجود آپ ڈاکٹر آصف کا کچھ بگاڑ سکے ہیں؟ ساری کوشش کے باوجود, دیکھیے بات سن لیجیے, بات یہ ہے کہ اب بات ضرب عضب سے آگے بڑھ گئی ہے, اب قوم کا نیریٹو بدلنا ہے, اب آئی ڈی پیز جو ہیں ان کو بسانا ہے, اب جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو سویلین حکومت ہے اس کا رول جو ہے یہ بڑھنا چاہیے, ان کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے, ان سے مشورہ ہونا چاہیے, اگر سوسائٹی کے اندر آپ اسی طرح کی لبرٹیز جو ہیں وہ لوگوں کی ختم کر دیں گے جو پہلے ضرب عضب میں تھی, تو پھر معاشرے میں سکون نہیں ہوگا. اب مجھے ایک منٹ بولے, تنویر صاحب بول رہے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک اپیکس کمیٹی ہے جہاں پہ پروونس کی لیڈرشپ سول اور جو کور کمانڈر ملٹری لیڈرشپ اکٹھے بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں کہاں کہاں ہمیں آپریشن کرنا ہے, کن کن لوگوں کو پکڑنا ہے, کہاں کا سلیپر سیل ہے, ان کو باقاعدہ بریفنگ ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ کو ایک اپیکس کمیٹی, قائم علی شاہ کو کتنا پوچھا گیا آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا گیا, قائم علی شاہ تو جس طرح سے کہتے ہیں. فاروق صاحب ایک سوال, وہ یہ کہ بیلنس قائم کرنا بڑا مشکل ہے, ایک تو سول لبرٹیز جس کی بات تنویر صاحب کر رہے ہیں, دوسرا سیکیورٹی, اس کے بیچ میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے؟ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو. کل کراچی کے اندر میں بات یہ ہے کہ آپ اس وقت سٹیٹ آف وار میں, حالات جنگ میں ہیں. بالکل, اگر آپ حالات جنگ میں نہ ہوتے تو مجھے یہ بتائیں آنریبل سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ وہ کہہ رہی ہے ہاں آپ اسپیشل کورٹ ملٹری کورٹ قائم کریں, آپ مجھے بتائیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ملٹری کورٹ کی اجازت دے؟ بھائی کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس دشمن آپ کے اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے کہ ہر دہشت گرد پر آپ کیک لے کے جائیں, ہم آپ کو لے جائیں. میں تو پچھلے 68 ایئر سے حالت جنگ میں ہوں اور پتہ نہیں میرے نصیبوں میں میری کتنی نسلوں نے حالت جنگ میں رہنا, سیکورٹی ایجنسی کا کام بڑھتا جا رہا ہے اور غریب آدمی جو ہے اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے. دیکھیے اب جو ہے نا, اب کبھی زندگی میں کوئی ایسی بات کریں کہ غریب آدمی کو پتہ چلے کہ حالت جنگ ختم ہو گئی ہے. اگر ابھی حالت جنگ لے کے چلنی ہے کہاں تک, کوئی اینڈ تو ہونا چاہیے اس چیز کا. مسائل آپ کو دے دیے, مسئلے کا حل تو ہم بتا رہے ہیں. مسئلے کا حل جو ہے کلیئر ہے, جو تنویر صاحب کہتے ہیں وہ تو یہ ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ناظرین بھی سن لیں کہ ہر دہشت گرد کے پاس, ہر سسپیکٹ کے پاس ہم جائیں, اس کو بینڈ باجے لے کے جائیں, اس کو ہار پہنائیں, ٹھیک ہے نا جی, اس کو کیک کھلائیں اور کہیں فاروق صاحب غلط نہیں ہوتا, فاروق صاحب غلط کہہ رہے ہیں. جو حالات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے باقاعدہ آپ کو کاروائی کرنی پڑتی ہے, آپ کو لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے, آپ کو انٹروگیٹ کرنا ہوتا ہے, انٹروگیٹ میں ہاں ایسے وقت میں تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے, میں مانتا ہوں وہاں پہ سول لبرٹی تھوڑی بہت مار پیٹ بھی جسٹیفائی ہو رہی ہے. دیکھیں پنجاب میں تنویر صاحب اس طرح کی انسرجنسی نہیں ہے کراچی کی طرح, یہ فاٹے کی طرح ہم کیا خبریں سنتے ہیں پنجاب میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہوتی ہے؟ آپ کو میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں, دیکھیے چیخ کے کوئی آرگومنٹ بہتر نہیں ہو جاتا, آپ کوئی نہیں, ہم نے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے, لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کا عام شہری ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں, میں اس دھرتی کا مالک ہوں, میں نے آپ کو پیسے دیے, میں نے آپ کو اختیار دیا, میں نے اپنی سول لبرٹیز قربان کر دی, پارلیمنٹ سے آپ کو قرارداد دی, مجھے کوئی حق نہیں آپ کو پوچھنے کا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, کیا میں نے آپ کیا دہشت گردی کی آڑ میں آپ سارے ملک کے اختیارات ہتھیانا چاہ رہے ہیں, کرپشن بھی آپ نے ٹھیک کرنی ہے, معاشرے کے باقی مسائل بھی آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. بات یہ ہے آپ دو دو سو دن ایک بندے کو رکھ کے اس کا میڈیا ٹرائل کر کے اس کے بعد آپ رزلٹ کوئی نہیں دیتے اور ہمیں آپ نے سرخ بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ حالت جنگ میں ہے, حالت جنگ میں یہ سنتے ہوئے ہم عمر کے آخری حصے پہ پہنچ گئے. تو نہیں یہ تو بھگت رہے ہیں نا پاکستانی, ہم تو ہمیشہ حالت جنگ میں, اس بندے کا فائدہ ہے
कि पाकिस्तानी कौम को डराया जाए, इसको सिक्योरिटी स्टेट बनाया जाए। लेकिन तनवीर साहब क्या डरा रहे हैं? ये देखिए, अपने रास्ते हासिल कीजिए, किसका फायदा है? मैं ये समझता हूँ कि लोगों की दाल रोटी का बंदोबस्त करें, गरीब लोग हैं बेचारे। तनवीर साहब वाला माइंडसेट ये है कि कराची का ऑपरेशन बंद कर दो, तमाम दहशतगर्दों को छोड़ दो, कराची में कत्लोगारत दोबारा शुरू हो जाए। तनवीर साहब सारे लोगों को राहत दे रहे हैं। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, कराची की बात कर दी, कराची की बात कर दी, कराची की तरफ ही चलते हैं। कराची में भी सिचुएशन हम लोगों को चेंज होती हुई नजर आ रही है, बदलती हुई नजर आ रही है। कराची जिस तरीके से पहले हुआ करता था, या एक ही जमात की वहां हुकूमत, एक ही जमात के वहां तमाम होल्ड था, वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। और अजीब बात यह है कि उसी पार्टी के अंदर से खत्म होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, रज़ा हारून भी मुस्तफ़ा कमाल को प्यारे हो गए। जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल का कारवान आगे चला है, और जिस तरीके से एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमा इस इनके साथ चलते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरह रज़ा हारून ने भी कल कहा कि माइनस वन का फॉर्मूला बाहर से नहीं, अंदर से ही अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले वक्तों में होगा क्या, कराची ऑपरेशन किधर तक जाएगा, ये तमाम चीज़ें बड़ी डिसाइसिव होंगी। मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने देखा और वो कॉन्कर कर गया, वो जिस तरीके से तनवीर साहब बोला जाता है। अब आप क्या देखते हैं, और इतने अहम रहनुमा रज़ा हारून साहब अहम पोस्ट के ऊपर है, और कौन कौन आने वाला है? जो कराची के अंदर हो रहा है स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। जिस बंदे को मैं बता रहा हूँ, अब मेरी बात तो सुनिए, अब कम से कम बात मेरी बात बीच में ना काट। बस स्क्रिप्ट का बता दीजिए कौन। पीपल्स पार्टी को जब खत्म करना था तो जमात इस्लामी की सपोर्ट की गई, जमात इस्लामी को जब खत्म करना था तो एमकेएम बनाई गई, एमकेएम को जब थोड़ा सा नकेल डालने का मंसूबा है तो उसके लिए रज़ा हारून साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो सारे लोग जो एमकेएम में अहम पोजिशनों पर रहे, तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनके नाक के नीचे होती रहीं, उस प्लान का हिस्सा रहे। जिन लोगों के नाम बल्दिया टाउन के वाकयात के अंदर आए, जीआईटी में जिनके नाम आए, अब जो बंदा उनको लेके आ रहा है, जो पार्टी बना रहा है, जो इनको प्रोजेक्ट कर रहा है, जो गाइड कर रहा है, जो स्क्रिप्ट दे रहा है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, ये तरीके सियासी जमातें बनाने के नहीं। कराची के लोगों पे रहम होना चाहिए, कराची के लोगों पे तर्स खाना चाहिए। ये एमकेएम जो है इसको इस तरीके से एमकेएम इस तरीके से फारूक साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा। मैं ये कहता हूं कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, मैं बता देता हूं इनके इशारे जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। मैं तो 10 दफा कह चुका हूं, अगर एस्टैब्लिशमेंट स्क्रिप्ट बना रही है तो ठीक बना रही है, होना चाहिए। कराची के आवाम को बचाना है, कराची के का जो अब ये मेरी बात सुन ले। देखिए, मैं तो ये बात कहता हूँ कि एक वक्त आने वाला है, चंद हफ्ते की बात है मेरा ख्याल है, कि आप देखेंगे कि फारूक सत्तार साहब जो है अकेले झाड़ू मार रहे होंगे कराची में, ठीक है ना जी, बाकी सब लोग जो है वो उनको छोड़ दिए होंगे। फारूक सत्तार साहब मुझे वो लग रहे हैं इस वक्त जो इराक के जब जंग हो रही थी और कोलिशन फोर्सेज ने हमला किया था, इराकी एक उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, कोलिशन फोर्सेज बगदाद में दाखिल हो गई थी और आधे घंटे का काम रह गया था, तो वो कह रहा था कि नहीं जी, बड़ी सख्त मुजामत हो रही है, इराकी फौज कोलिशन फोर्सेज के खिलाफ भरपूर मुजामत कर रही है। मतलब ये सूरत हाल फारूक सत्तार साहब की, या मैं ये कहूँ फारूक सत्तार साहब वो सूरत हाल में है कि पूरी इनिंग गुजर जाएगी, वो क्या कहते हैं, एक आदमी कैरिंग द बैट, वो रह जाएंगे, बाकी सब टीम जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये समझ रहा हूँ, तनवीर साहब सुन ले, कि जिस तरह इमरान खान का 30 अक्टूबर 2011 का मीनारे पाकिस्तान जलसा गेम चेंजर था, ये अप्रैल के सेकंड वीक में जो ये मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी जिसका नाम वो 23 मार्च को अनाउंस कर रहे हैं, ये वो गेम चेंजर होगा जिसपे कराची में बिल्कुल हालात जो है ये गेम चेंजर बदल जाएगा। अच्छा। ये नया असगर खान केस होगा, नए जो लोग हैं उनको, जो उनकी सरपरस्ती की जाएगी, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको सियासी मैदान में उतारा जाएगा ताकि खास एजेंडे के तहत ये। अच्छा, एक जमात की मोनोपोली कराची के अंदर थी, अगर मोनोपोली तोड़ने के लिए कोई दूसरी जमात खड़ी होती है तो क्या ये सही नहीं है, क्या ये जमहूरियत को आगे बढ़ाएगा? मैं कहता हूं कि एमकेएम के लोगों ने जितने कानून तोड़े उनको सजा मिलनी चाहिए, माफियाज का कोई काम नहीं कि वो सियासत करें। बात यह है कि जिस तरीके से ये सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, जो बंदे पीछे बैठे कर रहे हैं, ये पुराने जमाने के ये तरीके मतरूक हो चुके हैं, इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा हैं। एक जो सियासी तरीकाकार होता है सियासी लोगों को आगे लाने का, सियासी जमातों के काम करने का, आप देखिए कि एक क्रिमिनल को तोड़ के आप उसके सारे गुनाह माफ करने जा रहे हैं। अच्छा, चले, ये तो बात ही पता चलेगा। मेरा ख्याल है तनवीर साहब एक जुमले में, मैं सिर्फ ये पता करना चाह रही हूँ कि अगर इस तरीके से कराची में तमाम काम हो रहा है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लिखा जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, तो फिर आने वाले टाइम्स के अंदर तो कराची के लिए ये चीज और डेंजरस हो जाएगी। और मुस्तफा कमाल साहब बारहा ये कह रहे हैं कि जेलों के अंदर जो लोग हैं वो असल में क्रिमिनल्स नहीं है। बात ये है कि इसी तरह के एनआरओ के मौके पर भी बात कही गई थी, आपको नहीं पता कि कौन कौन से लोग किस किस तरह के मुकदमात में मुलव्वज़ थे, सबको जो है बिल्कुल पाक साफ करके कर दिया। ये जो फारूक सत्तार बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक
एक वॉशिंग मशीन जो है कराची में काम कर रही है, जो वफादारी बदल सकता है, जो दबाव कबूल कर सकता है, उस पर ना कोई मुकदमा है, ना FIR है, ना कानून है, और ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। एंड में मजे की बात आप देखेंगे, फारूक मशीन सत्तार साहब वो भी इस वॉशिंग मशीन से गुजर रहे होंगे। आपने अल्ताफ हुसैन साहब को नाम, तो मैं आज नाजरीन के सामने एक बात करना चाहता हूँ और उसको पॉइंट को आगे में लेके जाऊंगा। जनाब आरियल शरोन, इसराइल का वो जनरल जिसने फलस्तीन और मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे, शायद हम लोग भूल गए कि वो कितने साल वो शख्स जो है वो कोमे में रहा था, उसकी जान अल्लाह ताला ने नहीं निकाली। मैं एक बात कह दूसरी, अब मैं कह रहा हूँ ये एक बड़ी अच्छी सूरत हाल डेवलप होगी कराची में कि यंग डायनामिक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान का झंडा लेके ये तमाम लोग जो कहते हैं कि हमें मिसगाइड किया था, वो तस्लीम कर रहे हैं, वो फुटेज दिखा रहे हैं जो मुस्तफा कमाल साहब कहते रहे हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमने गलत काम किया था, अब हम पाकिस्तान के लिए कराची के अवाम के लिए माफी मांगी उन लोगों ने। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि सबको एक ही टाइम पर यह चीज याद आई है कि जी गलती हमसे हुई। एक टाइम पे सबको किस तरीके से याद आ गई, सबका जमीर एक टाइम पे जागा, ये तमाम पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पे भी सवाल कर रहे हैं और एक आम शहरी के जहन में भी ये सवाल है। लेकिन तनवीर साहब बारहा कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, कुछ ऐसी बात रजा रबानी साहब ने भी कही कि पार्लियामेंट को वो इख्तियार नहीं दिए जा रहे जो पार्लियामेंट को चाहिए, और आर्टिकल 6 जो है आइन और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का जामिन नहीं बन पाया जिस तरीके से उसको बनने की जरूरत थी। वो उन्होंने भी कहा डेफिनेटली मुशर्रफ साहब की तरफ इशारा करते हुए कि आर्टिकल 6 के तहत जिसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये तमाम चीजें हमारे सामने है फारूक साहब। अब आर्टिकल 6 का मुकदमा तो मुशर्रफ साहब के, मुशर्रफ साहब वलील है, जब भी अदालत जाना होता है तो मसला हो जाता है कोई ना कोई। देखिए पहले मैं बहुत एहतराम के साथ मोहतरम सेनेटर रजा रबानी साहब से कुछ दो तीन बातें मैं करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जनाब स्पेशल कोर्ट ने अभी कहा अब तमाम दलाइल सुनने के बाद कि भाई वो जो एडर्स और बेटर्स हैं आर्टिकल 6 के क्लॉज है ना सब क्लॉज, जिसमें वो डोगर साहब हैं, शौकत अजीज हैं और वो जायद हामिद जो भी एक वजीर भी हैं, इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। ये स्पेशल कोर्ट समझता है जिसमें तीन सीनियर जस्टिस साहबान जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। अब मैं समझता हूँ अगर ये आर्टिकल 6 की पासदारी करना चाहते हैं, कानून आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं, रजा रबानी साहब सेनेट में रेजोल्यूशन लेके आए और हुकूमत को कहें कि उन तीन लोगों को आइन के मुताबिक उनका भी नाम जो है गवर्नमेंट जो है उनका केस करें, नंबर वन। नंबर टू मैं ये पूछता हूँ रजा रबानी साहब से कि जब आर्टिकल 21st अमेंडमेंट हो रही थी पास, तो जनाब इन्होंने कहा कि मैं ये रो पड़े थे कि मैं अपने जमीर के खिलाफ वोट दे रहा हूँ। रजा रबानी साहब अगर आपको आइन की इतनी पासदारी थी उस वक्त आप अपने जमीर के मुताबिक वोट देते और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट देते कि मैं मिलिट्री कोर्ट जो है नहीं बनने दूंगा, मजा तो तब आता है। मेरी बात मैं बड़ी बहुत काबिल एहतराम है, मैं दूसरी कहता हूँ कि पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन निकाले, आइन की वायलेशन हुई इतनी बड़ी वायलेशन, रजा रबानी साहब ने क्या किया कि उन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को। लेकिन आप रजा रबानी साहब को बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं वोट करके। नहीं मेरे पास तो रजा रबानी ऐसा शानदार आदमी है जिसका पूरा कैरियर साफ सुथरा है, जिसने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, कोई शक कभी 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 अदालत जाते हुए ना उसकी कमर में दर्द हुई है, ना उसके पाँव में दर्द हुई है, ना उसको अदालत जाते हुए कभी हार्ट अटैक हुआ है, ना कभी उस बंदे को जो है वो अदालत से समन आ जाए और उसने खबरें इस तरह छपवाई हैं जिस तरह मजाक उसने अपना भी उड़ाया और बाकी लोगों का भी उड़ा रहा है। बात यह है कि उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान का कानून मुकम्मल तौर पे खामोश है, एक गरीब आदमी जो है उस वो इशारा तोड़ता है तो FIR बन जाती है। आप छोटे से जुर्म पे गरीब आदमी की कार्रवाई करते हैं, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 6 के तहत जिसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है 55 मरतबा अदालत बुलाए तो वो बंदा अदालत ना आ सके। ये मजाक की बात नहीं, उन्होंने कहा पार्लियामेंट को इख्तदार देना काफी नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती कबूल की जानी चाहिए। देखिए बात यह है कि कितना पार्लियामेंट को खारजा पॉलिसी पे इख्तियार है, कितना पार्लियामेंट को पता है कि सऊदी अरब में क्या हुआ, अफगानिस्तान की मुलाकातों में क्या हुआ, कितना पार्लियामेंट को पता है कि दहशतगर्दी के मामलों के अंदर इनसाइड स्टोरी क्या है। यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म को इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म को 20 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को एक वक्त ऐसा था कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उस प्रिमिसेस में जाने की इजाजत नहीं थी। डाइवर्ट कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता,
रजा रब्बानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कानून की बालादस्ती हर किसी के लिए होनी चाहिए, कानून बराबर हर किसी के लिए होना चाहिए। लेकिन ये बात तब क्यों नहीं कही जाती जब जरदारी साहब के लिए कानून डिफरेंट होता है, जब बिलावल भुट्टो के लिए कानून डिफरेंट होता है, जब एक सड़क के ऊपर हंगाम के लिए और बिलावल साहब के लिए कानून डिफरेंट होता है, तब क्यों नहीं कहती? ये है कि ये तो आर्गुमेंट ही बड़ा अजीब सा है कि चूंकि उसके बारे में नहीं कहा जाता इसलिए इसके बारे में नहीं। रजा रब्बानी साहब जब कह रहे हैं आर्टिकल 6 मुशर्रफ आपके बारे में, अब मैं आपको बता दूं, जरदारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और मुशर्रफ के खिलाफ। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले जरा रजा रब्बानी साहब, फिर मैं कहता हूँ बहुत काबिल एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं, मिस्टर क्लीन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, लेकिन मुझे ये बताएं उनको बहुत इस पे है कि ये आईन की वायलेशन हो रही है क्योंकि जल मुशर्रफ आ नहीं रहे, आर्टिकल 6 का केस आगे चल नहीं रहा, ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है इसका हर 90 दिन इजलास होना है आईन के मुताबिक, वो जब एक साल नहीं हुआ तब तो हमने रजा रब्बानी साहब की पत्नी को बात उस पर उन्होंने कोई हंगामा किया ये नहीं, मुझे नहीं याद है। उसके बाद नैब को जिस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है, आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि जनाब एक एक इंडिपेंडेंट अदारे को प्रेशराइज किया जा रहा है, उधर रजा रब्बानी साहब जो है मेरा कहने का मतलब है। और लास्ट पॉइंट मैं बोलूँ, 18वीं तरमीम पे मोहतरम रजा रब्बानी साहब की क्यादत में एक साल बंद कमरे में तकरीबन ये तमाम बात हुआ, उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया गया कि क्या आईन में तरमीम की जा रही है? वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की भी हम लोगों ने कल बात की थी, लेकिन बात यह है कि रजा रब्बानी साहब ने बात तो सही की लेकिन ये बात सब पे लागू होती है, फिर किसी एक पे लागू नहीं होते, उनके लीडर पे भी लागू होती है, बाकी लीडरान पे भी लागू होती है, सिविल हुकूमत पे भी लागू होती है और डेफिनेटली बाकी लोगों पे भी लागू होती है। लेकिन अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ और नाजीन फिर बात करेंगे बिजली के बहरान की और साथ ही साथ बिजली की चोरी की। जब बहरान है और चोरी हो रही है तो बहरान तो डबल हो जाना है, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बिजली के हवाले से बोला था नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानी अवाम यही उसका रोना है कि बिजली की कमी है, बिजली की कमी की वजह से चाहे वो बिजनेस हो या फिर आम घरेलू सारफीन हो, सबको ही मसला होता है, सबको ही प्रॉब्लम होता है, तरक्की मुल्क की उसका पहिया जो है बड़ा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन मुल्क के अंदर बिजली की चोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बेतहाशा जगह पर बिजली की चोरी हो रही है। इवन मुझे ये याद है कि कराची के अंदर जब वहाँ की बिजली फराहम करने वाली कंपनी को निजकारी उसकी की गई तो पहला शख्स जो बाहर से आया तो वो कहता है पाकिस्तान में आके सबसे पहला लफ्ज मैंने कुंडा सुना है। तो ये लफ्ज जो है पाकिस्तान के अंदर इतना आम है, इतना कॉमन है। अब आबिद शेर अली साहब ने, मिनिस्टर हैं बिजली के, पानी और बिजली के, उन्होंने ये चीज सामने लाए हैं कि 70 अरब 44 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई पिछले 5 सालों के अंदर, या आदादो शुमार पेश किए। अब इतनी सारी बिजली चोरी होगी तो फिर डेफिनेटली बहरान तो सामने आएगा ही आएगा, और इस बहरान को किस तरीके से फिर मुकम्मल कर सकेंगे, पहले तो लाइन लॉसेस और इस चोरी को रोका जाए। फारूक साहब देखें, नीका ये कोई नई खबर नहीं है, आइंदा भी खबरें आती रहेंगी इतने अरबों रुपए की बिजली चोरी होगी। जिस अभी खबर क्या है कि जी दो आबिद शेर अली साहब बता रहे हैं कि 2011 से लेकर अब तक 70 अरब रुपए की बिजली जो है चोरी हुई है पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके मुताबिक सिंध जो है वो नंबर वन है बिजली चोरी में 34 अरब रुपए, और रिकवरी इन्होंने तकरीबन 5 अरब की है। बाकी सूबों में भी पंजाब में 18 अरब रुपए, KP में 17 अरब रुपए, और इस तरह ये जो है चोरी का सिलसिला है। देखिए, अगर ये बिजली चोरी हो रही तो सिर्फ ये नहीं है कि जो चोर है सिर्फ वही इसमें मुलव्वस है, ज़ाहिर बात है इसमें जो इदारे के महकमों के जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, सारा आपको पता ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं एक बेसिक बात करना चाह रहा हूँ, बात ये है अनिका, जिन अजीम हस्तियों ने नाम इस मुल्क का रखा था पाकिस्तान जी, क्या उनको मालूम था कि ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान का मतलब लैंड ऑफ द प्योर, ये बन जाएगा चोरिस्तान? बिजली चोरी, गैस चोरी, पानी चोरी, वसाइल की चोरी, सरकारी खजाने की चोरी, पूरी रेलवे लाइन चोरी होगी, रेलवे स्टेशन गायब हो गए। तो मुझे आप ये बताएं क्या इस हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, इस 20 करोड़ अवाम में जो मॉरल अखलाकी डिग्रेडेशन आई है पिछले 20 साल 30 साल 40 साल में, मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन? बड़ा स्लो एंड ग्रेजुअल मसला हुआ। और फलाही मम्लकत के क्याम के लिए वसाइल सर्फ नहीं करेंगे तो भूखा आदमी चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आप तो देखिए अनिका, आप ना
चोरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो डकैती वापडा करता है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये जो डिस्कोज ओवर बिलिंग करती जा रही हैं, ये जो कब्रिस्तानों से टीवी के बिल लिए जा रहे हैं, ये जो देखिए जब एक महीना बिल ना दें तो ये बिजली का कनेक्शन काट जाते हैं, लेकिन अगर इनकी पावर फ्लक्चुएशन की वजह से किसी गरीब की फ्रिज जल जाए उसका जिम्मेदार वापडा को नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, महकमे खुद भी तो बिजली चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। और कोई बिजली ऐसी नहीं जो देखिए एक नॉन टेक्निकल आदमी किस तरह से वो कर सकता है बिजली चोरी, मीटर कैसे पीछे कर सकता है। ये लेस्को का ये डिस्को उसके अमला है जो चोरी के अंदर इन्वॉल्व है, इनके इनको पकड़ होनी चाहिए। आपने 90,000 मुकदमे दिए हैं आम कंज्यूमर के खिलाफ, आपने 10 लाख के डिटेक्शन बिल डाल दिए हैं, आपने कितने वापडा लेस्को डिस्कोस के या पेप्को के कितने अफसरान कितने मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की है। अच्छा, आवाम की तरफ से बड़े केसेस जो हैं कोर्ट्स के अंदर है, लेकिन फारूक साहब मुझे ये भी बताइएगा, बड़ा आसान है आदाद शुमार पेश कर देना, चाहे वो कौमी असेंबली हो चाहे वो कोई कमेटी हो कोई स्टैंडिंग कमेटी हो, बड़े आराम से आदाद शुमार तो दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है? ये जो अभी 70 अरब 44 करोड़ की फिगर्स दी हैं, इसके बारे में कुछ होगा भी, कोई रिकवरी भी आएगी? वो कहते हैं ना कि कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, 70 अरब की अगर है तो 17 अरब की रिकवरी क्यों, चले थोड़ा बहुत इन्होंने 10-15% रिकवरी कर ली। लेकिन मसला क्या है, एक तो ये इस बिजली चोरी में खुद जो बड़े लोग हैं अपने इलाकों के वो इसमें शामिल हैं, अब बड़े लोगों को अब हाथ नहीं डाल सकते। और सरकारी इदारे हैं उनका क्या करिएगा? सरकार जारी बात है सरकारी इदारे वहां पे तो कोई कंट्रोल ही कोई नहीं, जो अपना फ्री फॉर ऑल जो आप चाहे करें। लेकिन मैं आपको देखिए एक बड़ी पिक्चर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, बड़ी पिक्चर ये है कि अगर आप ये देखें कि क्यों हमारी कौम इस लेवल पे आ गई कि अब चाहे बड़ा आदमी हो चाहे बड़ा चोर हो चाहे छोटा चोर है सब चोरी में लगे हुए हैं। देखिए मैं समझता हूँ, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि ये आवाम की गलती नहीं है कि हम लोगों ने ये मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। अगर मुझे एक अच्छी लीडरशिप नीट एंड क्लीन क्यादत मिलती रोल मॉडल वाली तो हम इस तरह ना आते। मैंने 2-3 तस्वीरें देखी, मैं क्विकली आवाम को बताना चाहता हूँ। नंबर एक ये डेविड कैमरू अपनी वो अंडरग्राउंड ट्रेन में खड़े हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पे जगह उनके लिए बैठने के लिए नहीं है, प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है। कल के एक और तस्वीर में क्या देख रहा हूँ, सिंगापुर का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट मोदी को एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में लेके गया, चलो भाई जाके खाना खाते हैं। $15 नहीं हो सकता फारूक भाई, ये है वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लेकिन तनवीर साहब से एक मैं क्विक सवाल करना चाहूंगी, तनवीर साहब तमाम मसले तो सामने हैं, हल बताइएगा। जो हल फारूक साहब बता रहे हैं उसमें तो ये है कि जमहूरियत खत्म कर दी जाए, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो 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 ठीक मसले हल नहीं कर सकते इनका बोरिया बिस्तर गोल। देखिए बात ये है, मैं तो कहीं नहीं, असल चीज गवर्नेंस का इशू है जो इस गवर्नमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है। ये गवर्नेंस जो है जब तक बेहतर नहीं होगी, देखिए बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं बिजली चोरी भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं उसका बिल भी पे कर देता हूँ चोरी का, लेकिन मुझे कस्टमर सर्विस तो मिलनी चाहिए। अगर लाइट गई है तो मुझे पता चलना चाहिए क्यों गई है, कब आएगी, किस तरीके से, जिस तरीके से ओवर बिलिंग हो रही है, जिस तरह से बिजली चोरी में ये पाकिस्तान की रूलिंग एलीट मुलव्वस है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं है, नियत का इशू है तनवीर साहब, नियत का इशू है। अगर आपकी नियत ठीक हो सब काम ठीक हो, नियतों के बारे में तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीज सामने तभी आती है जब कोई कारकर्दगी सामने दिखाई जाए। और अगर चोरी हो रही है तो चोरी रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? पिछले 5 साल के अंदर ये काम हुआ तो पिछले जरा 15 साल के आदाद शुमार उठा के देख लें, कितने और अरबों होंगे जो इस तरीके से चोरी किए गए होंगे। और इसको कोई बुरा समझता नहीं, इसके बारे में कोई ये नहीं कहता कि इसके हवाले से सजा देनी चाहिए, और कब आएगी ये चीज देखना बाद में है। लेकिन अजीज सिर्फ एक महकमा नहीं, बहुत सारे महकमे हैं जहाँ चोरियां भी हो रही हैं, जहाँ करप्शन भी हो रही है, जहाँ मसले मसाइल भी हैं। इरिगेशन का महकमा और उसके रेस्ट हाउसेस, यहाँ भी यही मसले चल रहे हैं, यहाँ भी इसी तरह की करप्शन चल रही है। 38 करोड़ का खर्चा किया गया इनकी तजीनो आराइश के लिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे, सफेद हाथी बन गए, लेकिन इनका कोई चीज सामने नहीं आ रही। 233 इसके मुलाजमीन ऐसे हैं जो अफसरों के घर पे काम कर रहे हैं, काम इनको रेस्ट हाउसेस में कर रहे होना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है तनवीर साहब के काम ये यहाँ कर रहे हैं अफसरों के। बात करना चाहेंगे? नहीं, आप स्टार्ट करें उसके बाद। बात यह है जी के दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम पंजाब में बनाया गया। इस नहरी निज़ाम में शानदार खूबसूरत बंगले बनाए गए जो अंग्रेज़ दौर के अंदर इसलिए थे कि वहाँ पे सरकारी अफसर जाते थे नहरों के फ्लो को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ पे इरिगेशन के मसाइल हल करने के लिए वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, इन बंगलों की इफादियत थी। अब ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर मुश्तमल ये जो खूबसूरत बंगले हैं,
अब इनका इस्तेमाल गुनाह के लिए भी होता है, अब इनका इस्तेमाल जो है वो सैर तफरी के लिए भी होता है, लेकिन इससे टेडी पैसे की एक आमदनी नहीं हो रही। और जो हमने इसकी तजीनों रैश के ऊपर ये 38 करोड़ लगाए हैं, इसका ये पाकिस्तान के अवाम की जेबों से ये पैसा गया है। बात यह है कि अवाम को क्या फ़ायदा मिला इससे? क्या कभी इस पर यह असम्बली के अंदर बात आई थी? असम्बली के अंदर इसको रिलेक्टेड थे, 2-3 मरतबा इसको एजेंडे के ऊपर नहीं आने दिया गया। इसका ऑडिट होना चाहिए, इसको टेस्ट केस बनाया जाना चाहिए। बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन किस तरह जाके ये वडेरों के, सियासी लोगों के, सेक्रेटरियों के घरों पे माली काम कर रहे हैं और इरिगेशन का अमला कहीं से ले रहा है और ये हुकूमत जो है पे करती है। हम अपने टैक्स के पैसों से इन मुलाजमीन को पे करते हैं, काम अफसरों के घर पे जाके कर रहे होते हैं, अजीब बात है। एक दो चीजें तबीर साहब छोड़ गए यहाँ पे कि ये जो इरिगेशन के रेस्ट हाउसेस हैं इनकी वो अपना रिफर्बिशमेंट, इनकी फर्निशिंग पे करोड़ रुपए लगाए गए और ये इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? जारी बात है, इलाके के जो बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो आते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि बकायदा गवर्नमेंट के कानून है कि आप कोई भी गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में जाए, ये गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस है ना, वो बकायदा आपको खाने के लिए चार्ज करेंगे, आपके नॉमिनल चार्जेज होते हैं अकोमोडेशन के वो जो, लेकिन वो कहते हैं उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। अब बात ये है कि मैं फिर वही कहूंगा, लोग माइंड करेंगे, खादिम आला साहब माइंड करेंगे कि रोज ये बैठ जाते हैं और कोई ना कोई पंजाब गवर्नमेंट की चीज़। मैं आपको बड़ी शानदार बात बताऊं, मैं वो लिस्ट देख रहा था कि पंजाब में सेक्टर इरीगेशन कौन कौन रहे हैं, उसमें काफी सारे नाम ऐसे थे जो सिविलियन साइड से सिविल सर्विस में नहीं आए थे। ये इसके बावजूद मुझे नहीं पता कि ऐसे दोस्तों को लगाने के लिए आपकी बात सही है। अगर कोई रिटायर्ड फौजी आए हैं और उनके दौर में भी ये मामला नहीं है तो मैं तो नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत काम किया, ठीक काम किए। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू मॉडल। तनवीर साहब, जो मैं कहता हूँ ना, नियत की बात, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यही काम केपी गवर्नमेंट ने क्या किया? जितने उनके रेस्ट हाउसेस थे जनाब गलियात में, मरी में, बुरबर में, एफ्टाबाद में, उन्होंने वो रेस्ट हाउसेज हैंड ओवर कर दिए किनको? टूरिज्म डिपार्टमेंट को। उन्होंने कहा इनको फर्निश करो, इनको चलाओ, इनको फर्निश करो और इनसे पैसे कमाओ और स्टेट को, अपने सूबे को पैसे मिलने चाहिए। ये मॉडल है, एक तरफ यहाँ का मॉडल, एक तरफ केपी का मॉडल। तो तनवीर साहब, जहाँ पे मैं फिर नियत होनी चाहिए और आपकी विल ठीक होनी चाहिए, फिर अगर नियत सही होगी तो डेफिनेटली रेस्ट हाउसेज जो है ये मुनाफे के लिए बनाए गए थे। और ऑफकोर्स जहाँ टूरिज्म बढ़ रहा होता है, जहाँ जिस तरीके से अब बेहतर हालात हो रहे हैं जरबेज के बाद, तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है और हम लोगों ने पिछले साल भी इसके अंदर रिकॉर्ड देखा था, काफी इजाफा हुआ था। तो डेफिनेटली रेस्ट हाउसेस एक मुनाफा बख्श चीज हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहे इसलिए क्योंकि करप्शन ही करप्शन और मुफाद परस्ती। नियत की बात की फारूक साहब ने, तो नियत होगी तो काम तो हो जाएगा। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं नाज़रीन। नियत तो इस चीज की भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान का कल्चर आगे बढ़े, पाकिस्तान की सकाफत आगे बढ़े, पाकिस्तान की सकाफत को फरोग मिले। लेकिन अदाकारा साइमा कुछ खुश नहीं नजर आ रही। कहती है पंजाबी फिल्मों का दौर ना अब कभी भी सुनहरा दौर वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही उनका कुछ नई फिल्मों से शिकवा भी है, कहीं ऐसा तो नहीं तनवीर साहब की नई फिल्में जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, यंग टैलेंट सामने आ रहा है, कहीं अदाकारा साइमा को कोई इनसिक्योरिटी? साइमा साहबा हमारी बड़ी एक मरूफ अदाकारा हैं, लेकिन उन्होंने जो मसले का हल, जो वजह डायग्नोज की है वो गलत है। वो कहते हैं चूँकि सुल्तान रही वफात पा गए, अब कोई ऐसा बंदा नहीं है इसलिए सुनहरी दौर पंजाबी फिल्मों का नहीं आ सकता। देखिए बात यह है कि वजह यह है रजिया फंस गई गुंडों में, लफंगा, वैशी गुंडा, इश्तहारी राजपूत, अजदा बदमाश, गुजरदा खड़ाक, अच्छू 302, रांझे हाथ गंडासा, मौत खेड जवानी दा, ये फिल्मों के नाम हैं। ये वो हैं जिसने हमारे मुआशरे को उस तबाही पे ला खड़ा किया है। आप देखिए, बहादुर होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन बहादुरी को एक कानून शिकनी के साथ जोड़ना, इनकरेज करना, उसी ने तो ज़र्ब अज़ब के जो है ना यहाँ तक हमें कि हम ऐसी कोशिश करें कि मुआशरे को जरूरत पड़ी इन फिल्मों ने जो कल्चर दिया। सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली पंजाबी जबान, एक वक्त था 100 फिल्में बनती थी एक साल में, अब 4 या 5 बनी है, टोटल 40 बनती थी। आज किसी जाके वीडियो की दुकान पे चले जाएं, पंजाबी फिल्म लेनी है तो हमसाया मुल्क से आती है, जिसको फारूक साहब कहते हैं कि ये इसकी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, वो पंजाबी फिल्में बनाते हैं और यहाँ चलती है। देखिए बात ये है कि अगर आपने नैरेटिव तब्दील करना है तो पंजाबी फिल्म जो है इसकी रिवाइवल होनी चाहिए, इसको महारत मिलनी चाहिए। ये जो नए बच्चे एनसीए से आ रहे हैं, जो ये नई कहानियां लिख रहे हैं, जिन्होंने उर्दू के अंदर, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर इनकलाब पैदा किया है, लेकिन वो ये जो बारिशों वाले गाने जो
इन्होंने जो हशर किया मुआशरे का, अच्छा, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ अदाकारा साइमा ये कहती है, क्विक क्वेश्चन फिर मैं फारूक साहब की तरफ जाती हूँ, अदाकारा साइमा कहती है नई फिल्मों के अंदर तो वो डायलॉग्स ही नहीं है, वो उसी तरीके के किरदार कशी नहीं की जाती जिस तरीके से पहले, तो नई फिल्में बहुत अच्छी नहीं आई हैं। पाकिस्तानी बच्चों की ये फिल्में जो इस वक्त उर्दू की फिल्में आई हैं और इन्होंने जो बिजनेस किया है, यानी 100 करोड़ तक पाकिस्तान की फिल्म इस वक्त बिजनेस कर रही है, और इस वक्त यानी कोई इंडिया की फिल्म ऐसी नहीं जो हिट होती जिसमें किसी पाकिस्तानी गुलूकार का किसी पाकिस्तान को कंट्रीब्यूशन ना हो। टैलेंट है, हाँ, तो मेरा ख्याल है साइमा जो है उनका एक खास एक स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है उससे बाहर आके नहीं। अच्छा, लेकिन पंजाबी मूवीज जो हैं, पंजाबी फिल्में जो हैं, वो नीचे तो गई हैं फारूक साहब, इसके बारे में भी कुछ करना चाहिए, लेकिन ये तो हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए ना। राणा मशहूर साहब के बारे में भी बताएं, उनके पास जरा कल्चर का है, वो उनके केसेस चल रहे हैं, कैसे वो ध्यान देंगे? जिस सूबे में हमारे मोहतरम राणा मशहूर साहब जो होंगे उनके जैसी एक बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत एज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड यूथ और साथ एजुकेशन के पास है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या होगा मतलब, और नैब कितने केसेस हैं, वो तो वैसे ही पंजाबी में मतलब बड़के मारते हैं नैब के ऊपर। बट सीरियसली तनवीर साहब ने थोड़ी ज्यादती की है, मेरा ख्याल है 60s 70s 80s और 90s तक भी ये देखें ये दौर था रंगीला मुनव्वर ज़रीफ, सुल्तान भाई साहब का कभी मैं इतना फैन नहीं था, लेकिन जिस तरह के कॉमेडियन हमारी ये रंगीला मुनव्वर ज़रीफ साहब थे और फिर बाद में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का अपना एक अंदाज था पंजाबी फिल्म में, देखें उनको तो उस तरह से के अदाकार तो फिर वापस आए नहीं। लेकिन मैं इनकी बात मानता हूँ कि इन्होंने पंजाबी फिल्म के कल्चर को इतना डिग्रेड कर दिया, इतने लो लेवल ऑफ मोरालिटी पे ये ले गए। राणा मशहूर साहब अपना गंडासा इस्तेमाल करके इसको बेहतर कर लेना है, तो वो नहीं करते। नहीं, राणा मशहूर साहब छोड़ दें, आप उनको बार बार आप लेके आएंगे तो मैं तो चार ही ना मिनिस्टर आप आवाम का भी मूड खराब करेंगे, मेरा भी खाम का मूड खराब। राणा मशहूर साहब के नाम से आपका मूड खराब? नहीं, राणा मशहूर साहब को तो पहले उनको जरा नैब को चाहिए उनकी जरा क्लास ने थोड़ा जाके पता लगे जो हमने उनकी वीडियो देखी हुई है, ताकि वो चीजें तो पहले क्लियर करें, ठीक है ना जी। मैं ये मानता हूँ कि लम्स और एमसीए टाइप ये जो यंग लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए हैं इन्होंने कल्चरल चेंज लेके आए हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव, लेकिन भी तो मैं समझता हूँ पंजाबी फिल्म शुड मेक अ कमबैक। आज भी हमारे पास बड़े बड़े बेहतरीन टीवी पे वो अपना मजाही अदाकार हैं जो कॉमेडियंस हैं, और मेरा ख्याल है पंजाबी फिल्म की रिवाइवल होनी चाहिए। मजा की बात कर रहे हैं फारूक साहब, तो मजा तो पंजाबी के अंदर, तनवीर साहब इसके अंदर कोई शक नहीं है कि मजाहिया चीज पंजाबी के अंदर जरा और ज्यादा निकल कर सामने आती है। वो क्यों फिल्म क्यों नहीं बनाते? हमारी लस्सी, हमारा नींबू पानी, हमारी पुदीने की चटनी, ये गैरों के कोको कोलों से कितनी बेहतर है। पंजाब का रिच कल्चर, पंजाब की लैंग्वेज, पंजाब की हेरिटेज, पंजाब की ये चीज़ें जब फिल्म के अंदर जब हम अपना कल्चर दिखाएंगे और इसके ज़रिए सोसाइटी को एजुकेट करेंगे तो इससे पंजाब का मुआशरा बदलेगा। आज मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जनाब जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के मराकज़ पाए जाते हैं। अगर हम पंजाबी फिल्मों को कोई कंसेशन देंगे, अच्छे मौजूद लेंगे, सोसाइटी मुआशरे को बेहतर बनाने वाले मौजूद पर काम करेंगे तो सोसाइटी के अंदर इस वक्त यू नीड अ कमबैक कि वो जो अच्छे लोग हैं पंजाबी फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और ऐसे लोग जो हैं दोबारा आए और पंजाबी फिल्म को रिवाइव करने असली की बजाय किताबों पे, आर्ट पे, कल्चर पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। सही, ठीक है। तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं और सकाफत की बात की जाए तो अजीब सा कंपटीशन सकाफत को फ़रोग देने वालों में भी पाया जाता है। सैयद नूर साहब ने भी शर्मी दुबे चिनॉय के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि स्क्रिप्ट मेरा, किरदार मेरा, प्लॉट मेरा, और ये जो ऑस्कर है उनको मिल गया। तो ये तमाम कंपटीशन जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर किया जाए तो बेहतर होगा। अगर इसी तरह की मूवी तमाम लोग बनाते रहें तो बेहतर होगा, जो पाकिस्तान की सकाफत को सामने लेकर आए, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को भी सामने लेकर आए। पॉजिटिव इमेज को भी हम लोगों ने दिखाना है क्योंकि दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को फेमस कर दिया गया है वो एक अजीब सी हम लोगों को सिचुएशन नज़र आती है। खैर, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने मसाइल और आरा से आगाह करिएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सोशल मीडिया की तरफ और बाखबर सुब के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर हम मौजूद हैं। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।